मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम. जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. सो फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है विच आर मेडअप ऑफ स्टेमन्स इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमन्स. सो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल में जो इंडिविजुअल मेंबर्स है दोज आर कॉल्ड एज स्टेमन्स एंड द वर्ल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम एंड स्टेमन इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट कनेक्टिव एंड एंथर या फिर जो उस स्टेमन का सोलन पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर. उस एंथर को ये जो फिलामेंट जहां पर अटैच्ड है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव. स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एन इमैच्योर स्टेज ऑफ एंथर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. जो इमैच्योर स्टेज है जब एंथर डेवलप होते रहता है डेवलपमेंट जब उसका स्टार्ट होता है तो एंथर में पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं सेंटर में और उसके सराउंडिंग में सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस रहती है. सो दिस पर्टिकुलर स्टेज वेयर द ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द सेंटर एंड दे आर सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड सेल्स इट्स कॉल्ड एज एपिडर्मिस. इट इज एन इमैच्योर स्टेज ऑफ एंथर. नाउ इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर डिफरेंट प्लांट्स एंड देयर फ्लावर्स दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एंथर्स. इफ यू कट द एंथर अगर एंथर को प्रॉपरली कट करते हैं इफ यू टेक द TS ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो वॉट विल यू फाइंड इन सम एंथर देयर आर प्रेजेंस ऑफ ओनली टू लोब्स एंड देयर आर सम एंथर वेयर ओनली सिंगल लोब इज प्रेजेंट. सो द एंथर विच इज हैविंग टू लोब्स जिस एंथर में टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं दैट काइंड ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज डाइथिकस एंथर. इफ यू टेक द TS ऑफ दिस डाइथिकस एंथर मतलब जिसके अंदर में दो लोब्स हैं दो लोब्स होने के बाद में अगर उसका आप TS लेते हैं तो आपको ये दिखाई देगा वहां पर कि उसमें चार चेम्बर्स प्रेजेंट है. देर आर प्रेजेंस ऑफ फोर स्पोरेंजिया एंड दैट इज वाई इट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट. वो कैसा है टेट्रा स्पोरेंजिएट है. यहां पर अगर हम देखते हैं दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर. यहां आपको ये डाइथिकस एंथर है ये एक लोब है एंथर का ये दूसरा लोब है. दोनों लोब्स जो है दे आर अटैच्ड टू ईच अदर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज कॉल्ड एज कनेक्टिव और इस कनेक्टिव को यहीं पर फिलामेंट अटैच रहता है. इस TS ऑफ एंथर में देयर आर प्रेजेंस ऑफ फोर चेम्बर्स. दीज चेम्बर्स आर कॉल्ड एज पोलन सैक्स. इन पोलन सैक्स को ही पोलन चेम्बर्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. इन्हीं को ही माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं. दिस इज वन माइक्रोस्पोरेंजियम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सो देयर आर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया दिस डाइथिकस एंथर मतलब जिस एंथर में दो लोब्स है डाइथिकस एंथर है. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया इट्स कॉल्ड एज टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर. ऐसे एंथर को बोला गया है टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर. सो ईच मोनोथिकस एंथर कंटेन्स टू पोलन सैक्स मतलब जो एंथर में सिंगल लोब प्रेजेंट है उसमें सिर्फ दो ही पोलन सैक्स है. टू पोलन चेम्बर्स आर देयर मीन्स टू माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर बट इन केस ऑफ डाइथिकस एंथर फोर पोलन सैक्स आर प्रेजेंट देयर फोर इट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट. द हेटरोजेनिसिटी दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन
arises when hypodermal cells get transformed into archosporial cells. What does this means? इसका मतलब क्या होता है, देखो जो इनिशियली हमने पढ़े हैं, एन इमैच्योर स्टेज ऑफ एंथर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। मतलब इनिशियल इमैच्योर स्टेज में जो एंथर है वो कैसे बना है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू एंड इट इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। दो टाइप के सेल्स है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है और सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। बट व्हेन वी सी द मैच्योर एंथर, जब हम मैच्योर एंथर को देखते हैं तो व्हाट वी सी, उसमें हमें क्या दिखाई देता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर आर प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, प्रेजेंस ऑफ मिडल लेयर सेल्स, टैपेटम एंड ऑल्सो स्पोरोजिनस सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। सो ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इंटू अदर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो ये जो डिफरेंशिएशन अराइज हो रहा है, ये जो हेटेरोजेनेसिटी अराइज हो रही है, ये कैसे अराइज होती है, व्हाट हैपेंस, जो एपिडर्मिस के नीचे में कुछ हाइपोडर्मल जो सेल्स है, दीज सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्किस्पोरियल सेल्स। मतलब जो इमैच्योर एंथर है, इमैच्योर एंथर में जो कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स है, वही पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हाइपोडर्मल सेल्स है, दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्किस्पोरियल सेल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टीएस ऑफ द एंथर। The archosporial cell ये जो तैयार हुए हैं, now they are produced inside the anther, they divide into an inner sporogenous cell and outer primary parietal cell. ये जो archosporial cell है, ये single cell divide हो रही है, किसमें, दो टाइप के cell में, एक cell है inner sporogenous cell and other is outer primary parietal cell. इनर स्पोरोजिनस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, जैसा नाम है स्पोरोजिनस सेल, स्पोरो मतलब स्पोर, जीनस मींस प्रोड्यूसर, तो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल। अब यहां पर कौन सा स्पोर प्रोड्यूस होगा, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को ही क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। तो स्पोरोजिनस सेल्स विल गिव राइज टू द माइक्रोस्पोर मीन्स पोलन ग्रेन एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल जो है, दिस आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल विल डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एंथर। एंथर के जो अलग अलग लेयर्स है उनमें इनका डिफरेंशिएशन होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैपेटम एटसेट्रा। स्पोरोजिनस सेल फॉर्म्स स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी ये जो स्पोरोजिनस सेल तैयार हुई है इसका डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू भी डिप्लॉयड है। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यू अब सेंटर में तैयार हुआ है, इसका हर एक सेल जो डिप्लॉयड है इसका मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फोर माइक्रोस्पोर फ्रॉम ईच स्पोरोजिनस सेल। हर स्पोरोजिनस सेल से चार माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो गए एंड दैट ग्रुप ऑफ फोर माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, ये फोर माइक्रोस्पोर्स कहां प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन चेम्बर्स। इन पोलन चेम्बर्स के अंदर, पोलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोरोजिनस सेल से। यही स्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का मियोसिस होता है और मियोसिस होके देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स मींस पोलन ग्रेन्स। सो इन पैराइटल सेल अंडरगोज डिविजन्स टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर्स। अब भी बताया मैंने
जो पराइटल सेल है, मतलब दो टाइप के सेल बने हैं, स्पोरोजिनस सेल और पराइटल सेल। तो जो पराइटल सेल है इट अंडरगोज डिविजन्स एंड ऑल्सो डिफरेंशिएशन, डिविजन भी होता है और डिफरेंशिएशन भी होता है, उसका कन्वर्शन अलग अलग टाइप के सेल्स में होता है एंड इट फॉर्म एंथर वॉल लेयर्स। एंथर के सराउंडिंग में जितने भी वॉल लेयर्स हैं, दोज वॉल लेयर्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये वॉल लेयर्स कौन कौन से हैं, लेट अस सी नाउ। इन दिस पर्टिकुलर टीएस ऑफ द एंथर यू विल फाइंड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। वी कैन एनलार्ज इट। दिस पर्टिकुलर येलो कलर लेयर व्हिच इज इन द फ्लैटेंड स्टेज और टैब्यूलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में जो लेयर प्रेजेंट है, दिस पर्टिकुलर लेयर एपिडर्मिस के नीचे में ये जो इलोंगेटेड सेल्स की लेयर प्रेजेंट है विच इज रेडियली अरेंज्ड। दिस रेडियली अरेंज्ड लेयर ऑफ द सेल विच इज प्लेस्ड बिलो द एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के जस्ट नीचे में 1 to 2 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट एंड दिस 1 to 2 लेयर ऑफ सेल्स इट्स कॉल्ड एज मिडल लेयर्स। इसे क्या कहा गया है, मिडल लेयर्स। और मिडल लेयर्स के बाद में जो सेल लेयर प्रेजेंट है विच इज द इनर मोस्ट सेल लेयर ऑफ एंथर सेल वॉल इट्स कॉल्ड एज टैपेटम। ये जो टैपेटम है थोड़ी पिरामिडल शेप्ड सेल है एंड इट्स हैविंग द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। पोलन चेम्बर में, पोलन सैक में, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, टैपेटम। सो दिस टैपेटम इज हैविंग अ न्यूट्रिटिव फंक्शन। सो दीज आर डिफरेंट लेयर्स और वॉल लेयर्स ऑफ द एंथर, मींस एंडो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन टैपेटम। एंड इन द मिडल मींस इन द पोलन चेम्बर देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एंड दिस इज व्हाट कनेक्टिव। सो द वॉल ऑफ मैच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। एंड मैच्योर एंथर का जो वॉल है इट्स मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ टैब्यूलर और फ्लैटेंड सेल्स। जो एपिडर्मिस है ये प्रोटेक्टिव लेयर है और वो कैसे सेल से बनी है, टैब्यूलर मींस फ्लैटेंड सेल से बनी है। देन उसके बाद में एंडोथीशियम इज सब एपिडर्मल, यानी एपिडर्मिस के नीचे वाली जो सेल लेयर है विच इज मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स विथ फाइब्रस थिकनिंग्स। ये जो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स है, इफ यू लुक एट द वॉल ऑफ दीज सेल्स यू विल फाइंड इनका जो सेल वॉल है उसके ऊपर में फाइबर्स की थिकनिंग्स प्रेजेंट है। जो थिक एरिया दिखाई देता है वो कैसे बना है, फाइबर्स से बना है इसके सेल वॉल में। फिर इनर टू द एंडोथीशियम इज मिडल लेयर। जो एंडोथीशियम है उसके नीचे में जो सेल लेयर्स प्रेजेंट है दोज आर कॉल्ड एज मिडल लेयर्स विच आर मेड अप ऑफ थीन वॉल्ड सेल्स एंड 1 to 2 लेयर्स। दिस थीन वॉल्ड सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स, व्हेन पोलन ग्रेन्स आर फुल्ली मैच्योर, व्हेन एंथर इज कंप्लीटली मैच्योर, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। सो व्हाट विल हैपन, दिस पर्टिकुलर एंथर विल बी ब्रोकन डाउन। ये जो एंथर है दिस विल बर्स्ट। इस बर्स्टिंग को कहेंगे डहिसंस। ये एंथर फूटेगा और उसमें से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे। ये जो पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं दीज पोलन ग्रेन्स विल बी डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो फॉर द बर्स्टिंग ऑफ द पोलन, फॉर द बर्स्टिंग ऑफ द एंथर और डहिसंस ऑफ द एंथर, डहिसंस का ही मतलब क्या है, बर्स्टिंग, उसी का ही मतलब क्या है,
फूटना, जो एंथर मैच्योर होने के बाद, पोलन ग्रेन्स मैच्योर होने के बाद में पॉलिनेशन के लिए उसका बर्स्ट होना जरूरी है, तो उस समय ये जो मिडल लेयर है, दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इट मे डिसइंटीग्रेट इन द मैच्योर एंथर. एंड नेक्स्ट लेयर इज स्टैपेटम. इट्स द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल. जो एंथर वॉल है उसका इनर मोस्ट, सबसे इनर मोस्ट, जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड एज स्टैपेटम. इट्स न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, मीन्स इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. जो पोलन ग्रेन्स पोलन चेंबर में प्रेजेंट है, सो उन पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम स्टैपेटम करता है. इट इमीडिएटली एनक्लोजेस द स्पोरोजीनस टिश्यू. ऑब्वियसली जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, यानी टैपेटम, इज टैपेटम सराउंड्स द स्पोरोजीनस टिश्यू. यानी स्पोरोजीनस टिश्यू के सराउंडिंग में कौन सी लेयर प्रेजेंट है? टैपेटम प्रेजेंट है. यही स्पोरोजीनस टिश्यू मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड सेल है, इसी का ही मियोसिस होता है, और मियोसिस होके इसी से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल विल गिव राइज टू 4 पोलन ग्रेन्स, 4 माइक्रोस्पोर्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर. टीएस ऑफ एंथर बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. इन दिस टीएस ऑफ एंथर, वंस अगेन वी विल सी द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. द मिडल, द अंडर द एपिडर्मिस देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंडोथेशियम. एंड एंडोथेशियम के बाद में जो 1 to 2 लेयर्स है सेल्स की, इट्स कॉल्ड एज मिडल लेयर. एंड देन इनर मोस्ट सेल लेयर इज कॉल्ड एज टैपेटम. दीज आर 4 चेम्बर्स एंड दिस इज अ कनेक्टिव. बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और इन केस ऑफ नीट व्हाट विल हैपन, दे विल गिव यू द डायग्राम, और डायग्राम देने के बाद में आपको वहां पर हो सकता है 1 या 2 इसके लेबल्स मिसिंग हो. दे विल आस्क यू टू फिल अप दोज लेबल्स. देन ये जो एंथर है, दिस इज अ डेहिस्ट एंथर, मतलब फूटा हुआ एंथर है. एसेंस एंड बर्स्टिंग, एंड दीज आर ऑल पोलन ग्रेन्स. सो व्हाट हैज हैपेंड, यहां से एंथर फूटा हुआ है. जो भी मिडल लेयर्स है और टैपेटम है, दे हैव ब्रोकन डाउन, दैट मिडल लेयर्स हैव ब्रोकन डाउन, एंथर डेहिस हो चुका है, एंड दीज आर ऑल मैच्योर्ड पोलन ग्रेन्स. नाउ दे आर फ्री टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर एंड टीएस ऑफ एंथर.